हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले जब भी मैं कोई न्यू रेसिपी डालूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ किचन टिप्स शेयर करने वाली हूं जो कि हम जब भी हम कुकिंग करते हैं तो उसमें हमें बहुत काम आता है। तो चलिए मैं बताती हूं क्या क्या है टिप्स। तो फर्स्ट ये है कि अगर कॉर्न को हमें निकालने में बहुत प्रॉब्लम होती है तो अगर हम एक सीटी लगा दें हल्का सा तो हमें कॉर्न निकालना बहुत आसान हो जाता है। और अगर आप बॉयल नहीं करना चाहते हैं तो इस तरह से जैसे मैं बताती हूँ वैसे आप निकालें तो भी कॉर्न आसानी से निकल जाता है। पहले हमें एक लाइन निकालना है इस तरह से, आराम से बहुत इजीली एक लाइन को हमें निकाल लेना है। उसके निकालने के बाद जब एक लाइन पूरी निकल जाएगी फिर हमको राइट साइड में पुश करके उसको निकालेंगे तो बहुत आसानी से कॉर्न को हम निकाल सकते हैं बहुत ईजिली। क्योंकि हमें कॉर्न कब भी कुछ बनाना होता है देखिए इस तरह से, तो कॉर्न को हमें बहुत निकालने में लगता है कि बहुत टाइम लगेगा। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए किस तरह से मैं कितना इजीली निकल जा रहा है। इस तरह से अगर आप एक लाइन निकालने के बाद अगर निकालते हैं कॉर्न तो कॉर्न बहुत आसानी से निकल जाता है और आप जो भी बनाना चाहे बना सकते हैं। थर्ड है कि आप बीट रूट है, बीट रूट को अगर हम इस तरह से खाते हैं तो बहुत हमें अच्छा नहीं लगता है, एक कसैलापन आता है। तो हमें क्या करना है, कुकर में ओनली वन विसल लगाना है और साल्ट ऐड करके और उसके बाद हमको इसको ठंडा करके छील लेना है तो हम आसानी से इसे खा सकते हैं। विंटर्स में घी निकालना बहुत ही मुश्किल काम होता है तो इसका एक ट्रिक है कि अगर आप विंटर्स हैं तो उसमें गुनगुना वाटर ऐड करेंगे तो आपका घी आसानी से निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको निकालने में। और अगर समर हैं तो आपको जो है ठंडा पानी डालना चाहिए। जो भी ग्रीन वेजिटेबल लीफी वेजिटेबल्स होती हैं अगर उसको हमें बॉयल करना है या हम उसकी सब्जी बनाते हैं तो हमें थोड़ी सी उसके अंदर शुगर ऐड कर देनी चाहिए तो हमारा कलर ग्रीन रहता है। जब भी हम कोई कढ़ी बनाएं तो हमें तुरंत साल्ट नहीं ऐड करना चाहिए नहीं तो कढ़ी हमारी फट जाती है। तो जब हमारी कढ़ी में एक उबाल अच्छे से आ जाए तब हमें साल्ट ऐड करना चाहिए तो उससे हमारी कढ़ी जो है वो फटती नहीं है। जब भी हम कढ़ी बनाते हैं तो अगर हम कढ़ी में ऊपर से गार्लिक और से तड़का लगाते हैं तो हमारे कढ़ी का टेस्ट डबल हो जाता है। तो आप इस तरह से एक बार ऊपर से तड़का डाल के देखिए, आपकी कढ़ी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। ऊपर से थोड़ा सा रेड चिली भी हमें ऐड करना। जब भी हम टमाटर की चटनी बनाएं तो सबसे पहले कुकर में एक विसल लगा लें और थोड़ा सा साल्ट ऐड करके तो छिलके आसानी से निकल जाएंगे और चटनी अच्छी बनेगी। राइस बनाते समय अगर हम राइस में दो लौंग और दो काली मिर्च डाल देते हैं तो उससे हमारा जो राइस है उसमें से फैट कम हो जाता है और हमें नुकसान नहीं करता है। जब भी हम कोई कचौड़ी बनाते हैं तो हमें जो डो होता है उसको लूज़ रखना चाहिए तो हमारी कचौड़ी कभी भी फटेगी नहीं। तो इस तरह से हमें इतना लूज़ डो रेडी करना होता है। जब भी हम कोई तेल में राई को डालते हैं तो राई चटक के उछल के ऊपर आती है। अगर उसमें वन पिंच आप हल्दी ऐड कर देंगे तो राई तड़क के ऊपर नहीं तड़केगी नहीं, आप देख सकते हैं। तो ये भी आप देखें अजमा के। हरे धनिया की चटनी बनाते समय थोड़ा सा हम मस्टर्ड ऑयल ऐड करें तो चटनी का स्वाद बढ़ जाता है। जब भी हम कॉर्न सूप बनाएं तो उस समय हमको हाफ कॉर्न खड़े रखने चाहिए और हाफ को ग्राइंड कर लेना चाहिए तो इससे हमारा सूप अच्छा बनता है, ठीक बनता है। एग की भुर्जी बनाते समय अगर हम भुर्जी के अंदर दो स्पून मिल्क ऐड करते हैं तो जो अंडे की स्मेल आती है वो स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी और बहुत अच्छा बनेगा भुर्जी। तो फ्रेंड्स, डेली यूज में आने वाले टिप्स और ट्रिक्स आपको कैसे लगे मेरे? अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी पे, तब तक के लिए।